Hello students, very good evening to one and all present here. I Varsha welcome you all in this session at Agriculture Adda247. स्वागत है आप सभी लोगों का Agriculture Adda247 के ऑफिशियल YouTube चैनल पर शाम 6 बजे फॉरेस्ट्री के इंट्रोडक्टरी सेशन में. तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी तक यहाँ पर कनेक्ट कर पाए हैं, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है और जो स्क्रीन पर है वो भी क्लियरली विजिबल है, ताकि बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से हम अपने आज के सेशन की शुरुआत कर सकें. जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि आप लोगों के लिए कल ही हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था दैट यू विल हैव योर एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लासेस सोन, एंड आज से आपकी एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. एंड फर्स्टली आई विल डील योर फॉरेस्ट्री सेगमेंट, उसके बाद हम एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर और जो आपके मेजर सेगमेंट्स हैं जो आपके एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच की एक नींव बनाने वाले हैं. आप लोग के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनमें फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर यू आर टारगेटिंग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्विसेज जो आपकी होती हैं, जैसे आप बात कर लीजिए डिप्टी रेंजर ऑफिसर्स के लिए, बात कर लीजिए रेंज ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, बात कर लीजिए इवन दो इफ यू आर टारगेटिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और उसमें आप टारगेट कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, ना आपने अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री चूज किया है, तो दीज क्लासेज विल रियली हेल्प यू, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सारी क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं. एंड आई एम ग्लैड इनफ कि आप लोग मतलब समय रहते क्लास में आ चुके हैं. अब जल्दी से फटाफट से आप एक बार क्लास को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करने के लिए, वहाँ पे क्लास को शेयर कर दीजिए. नवप्रीत, हरप्रीत, अयोन, हिमानी कैसे है भाई, आपसे भी आरुषि, आंचल बहुत अच्छा लग रहा है. यस, कम्प्लीटली फाइन, आप लोग एकदम बढ़िया मजे में. चलो अच्छी बात है, एक बार जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी आप कनेक्ट कर लीजिए. कल ही आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करेंगे, ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस क्लास के साथ कनेक्ट करके हम लोगों के साथ मिलकर अपने फॉरेस्ट्री के, अपने एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, तो जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर एंड लीड एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हमारे साथ मिलकर कवर करेंगे और साथ साथ में आप क्लास को लाइक भी करते हुए चलेंगे. ऑलराइट, सो आई वेलकम, वी आर ग्लैड यू आर हेयर, रियली आई एम वेरी ग्लैड दैट यू पीपल आर हेयर एंटरिंग द सेशन फ्रॉम द very first day, clearing your doubts and whatever the things जो आपको मतलब एक success के रास्ते में obstacles create कर रहे थे. So let us start our session with a very basic thing. अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं and you are not talking about say definition, अगर आप उसके definition के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, तो it is not worth having. उसको मतलब कुछ करने का फायदा ही नहीं है ना, जब तक आप definition के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं. Alright, so firstly let us talk about the definition of forestry. फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी की डेफिनेशन क्या होती है. दिस इज अ साइंस एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिंग. सो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, अभी मैं आप लोग के सामने कुछ एमसीक्यूज एंड कंसेप्ट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी. व्हेनेवर यू गो फॉर द क्वेश्चन, जो आप लोगों से मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ यू आर टारगेटिंग योर AIEEE, जो आपका AIEEA PG आपका एग्जाम होता है, AIEEA PG आपका एग्जाम होता है. इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप मास्टर्स करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ एट देहरादून, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं इन द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वी कल्चर, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इन क्वेश्चंस का बेसिक तरीका कैसे इनको अटेम्प्ट करने का होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. यस, दीज क्लासेस विल हेल्प यू इफ यू आर टारगेटिंग योर मास्टर डिग्रीज इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एलाइड साइंस. इफ यू आर टारगेटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर योर ग्रेजुएशन, दैट एग्जाम कवर फॉरेस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट और एज अ मेन सब्जेक्ट, तो उन सभी के लिए आप लोगों के लिए सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी अपकमिंग सेशन में हम एग्रो फॉरेस्ट्री पार्ट भी कवर करेंगे, तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस. एग्रोफॉरेस्ट्री से तो काफी क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द क्लासिफिकेशन पोर्शन, क्लासिफिकेशन से, क्राइटेरिया से, एप्लीकेशन से, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर. ओके, so when you talk about the definition of forestry, it is a science and craft of creating managing, using, conserving and repairing forest, woodlands and associated resources for human and environmental benefits. So students, एक बात यहाँ पर हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं. अभी आप लोग के सामने कुछ मैं जब आप लोग को मेजर जो आपके इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स है ना इंडियन फॉरेस्ट्री के, जब मैं आपको वो कराऊंगी ना तो आपको लगेगा कि ये हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे आज से पहले, और अभी मैम ने इसको रिलेट करके इंडियन फॉरेस्ट्री से बता दिया, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट्री की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई. यानी कि हमारे जो इतने बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं, सबसे पहले जो रेल स्टार्ट हुई थी, ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी, दैट इज बिकॉज ऑफ जो भी आपके फॉरेस्ट ट्रीज हैं उनको कट करके ही प्लैंक्स को बनाया गया था. ठीक है, जब इसकी नींव रखी गई तो जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं उनको कट करके प्लैंक्स को बनाया गया था. इवन तो आपके घर में जो आप बेसिक फर्नीचर्स इस्तेमाल करते हैं, जो आपके घरों में आप बेसिक फर्नीचर्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, वो भी आपका वुड से ही बना होता है. इवन जो शेटरिंग होती है, जब आपके घरों की फाउंडेशन रखी जाती है, नींव रखी जाती है, जब भी कभी लेंटर लगता है तो वो जो आपके वुडन लॉग्स ही हैं जिनको प्लेस किया जाता है. इवन तो ये जो टेबल है जिस पर आपका ये पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है, तो एवरीथिंग इज ऑफ मतलब जो हर एक चीज है वो आपके फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, तो किस तरह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज का आपने यूटिलाइजेशन करना है, हाउ यू विल मैनेज, तो ये एक कला है, साइंस है. साइंटिफिकली आपने अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया, और आर्ट है उस इम्प्लीमेंटेशन से आपने कैसे आउटपुट्स को गेन कर लिया. ठीक है, तो हाउ दीज ऑल रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, हाउ दीज ऑल रिसोर्सेज विल बी सिस्टमैटिकली यूज्ड, एवरीथिंग इज स्टडीड इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच जिसको आप फॉरेस्ट्री कहते हैं. अब वुडलैंड की अगर आप बात करें तो व्हाट आर वुडलैंड्स, तो वुडलैंड्स आपके लार्ज वो लैंड एरियाज होते हैं जहां पे आपके मतलब आपके जो वुड ट्रीज हैं, ट्रीज को ग्रो किया जाता है. तो दीज आर द लैंड एरियाज विच हैव वुड, और आपके जो मेजर ट्री स्पीशीज अगर वहां पे ग्रो किए गए हैं. तो सो लेट अस डिस्कस अबाउट, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हाउ दीज स्टडीज बिगिन इन इंडिया, इंडिया में शुरुआत कैसे हुई फॉरेस्ट्री की. हम एक क्वेश्चन, अगर आपने कभी ध्यान से एक चीज देखी होगी स्टूडेंट्स, हम एब्सोल्युटली हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. यस हिमानी, यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम ऑफ नबार्ड इफ यू वांट. या यस हाँ, फादर ऑफ फॉरेस्ट्री अयोन साहब, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है. लेट अस स्टार्ट, अभी स्टार्ट करते हैं. आप खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं. ठीक है, अभी आप खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ फॉरेस्ट्री, और इंडिया के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे, और वो कहाँ से थे, और वो कैसे इंडिया में इस वर्क के साथ इतना उनका अच्छा कनेक्शन बना. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. और ये आपको पढ़ते पढ़ते इतना फैमिलियर फील होगा, मतलब कि ये चीजें हम यूजुअली पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम में आती हैं. सो द फर्स्ट टाइम इंडिया में फॉरेस्ट्री की जो शुरुआत रखी गई थी, टीपू सुल्तान का नाम सबने सुना है. ठीक है, टीपू सुल्तान का नाम हम लोग अपना हिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो 1790 में टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूसेस 16 स्पीशीज ऑफ यूकेलिप्टस. ठीक है, यूकेलिप्टस कहाँ का, यूकेलिप्टस कहाँ का नेटिव है, यू नो दैट यूकेलिप्टस इज अ नेटिव स्पीशीज ऑफ कहाँ का, आपका ऑस्ट्रेलिया का. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम यूकेलिप्टस की 16 स्पीशीज को इंडिया के नंदा हिल्स मैसूर में इंट्रोड्यूस कराया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज में, बिकॉज ऑफ इट्स यूज. आपका यूकेलिप्टस सफेदे के जो पेड़ होते हैं, दे आर यूज्ड, आपका रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, रोड साइड रेवेन्यू को अच्छे से डेवलप करने के लिए. यू नो दैट उस टाइम पर ज्यादातर जो लोग होते थे वो अपना पैदल ही ट्रेवल करते थे, क्योंकि ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. तो उस टाइम पे रोड साइड प्लांटेशन हो, रिक्रिएशनल अच्छा व्यू हो, उन सब चीजों के लिए आपका यूकेलिप्टस की 16 स्पीशीज को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के नंदा हिल्स मैसूर में इंट्रोड्यूस कराया गया टीपू सुल्तान के द्वारा. अब यूकेलिप्टस के बारे में हम एक और बात कह सकते हैं, और वो आपको याद रखने, क्योंकि वो आपका जनरल किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. ये एक ट्री है जिसको हम सेंचुरियन ट्री भी बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेंचुरियन ट्री? जल्दी से बता दीजिए. व्हाई यूकेलिप्टस ट्री इज नोन एज द सेंचुरियन ट्री? और यूकेलिप्टस की कौन सी स्पीशीज है जिसको हम सेंचुरियन ट्री और मिलेनियम ट्री के नाम से भी जानते हैं? दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. यूकेलिप्टस सफेदे का पेड़, उसको सेंचुरियन ट्री हम कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ मिलेनियम ट्री. व्हाई? इसको पेपर मेकिंग, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका यूकेलिप्टस सफेदे के पेड़ का. और साथ में इसको मिलेनियम ट्री क्यों बोलते हैं, इसको सेंचुरी ट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स हाइट. ठीक है, और इसका जो रोटेशन साइकिल होता है, रोटेशन पीरियड भी काफी कम होता है. देखो भाई, हमारे कंट्री में जो नेटिव स्पीशीज हैं ट्रीज की, अगर हमको कोई बाहर से एलियन स्पीशीज और एक्सोटिक स्पीशीज को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम तभी इंट्रोड्यूस करते हैं अगर उसके अंदर कुछ अलग कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, राइट? अपने हम डेली लाइफ साइकिल में, रूटीन में अगर कोई नया चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो तभी हम इंट्रोड्यूस करते हैं इफ इट इज हैविंग मोर प्लस पॉइंट्स. तो आपका ये जो यूकेलिप्टस स्पीशीज है, एक तो इसका रोटेशन पीरियड, इसका जो टाइम ऑफ ग्रोथ है वो कम है. सेकेंड थिंग इसका क्या है, इसका आपका इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा है. और इस क्वेश्चन का आंसर रोहन, अंकित, अयोन, किसी ने भी नहीं दिया है. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? यस, इसको हाँ. अगला क्वेश्चन अयोन, इस मैंने जो क्वेश्चन करा उस क्वेश्चन का आंसर भी तो दीजिए. व्हाट आई हैड आस्क्ड टू यू, व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेंचुरी? सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100. इट्स हाइट, इट कैन रीच अप टू ए हाइट ऑफ 100 मीटर. ये आपका 100 मीटर तक की हाइट को रीच कर सकता है यूकेलिप्टस का वन स्पीशीज. ठीक है, यूकेलिप्टस का एक स्पीशीज आपका 100 मीटर की हाइट तक को भी अटेन कर सकता है. दैट इज या एब्सोल्युटली रेजिनस जो है वो आपका 100 मीटर हाइट तक को भी अचीव कर सकता है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, उसके बाद 1790 में टीपू सुल्तान ने सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन किया आपका नंदा हिल्स मैसूर में. उसके बाद 1800 में, सुनो ध्यान से, कमीशन ऑफ फॉरेस्ट्री. एट दैट टाइम हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल चल रहा था एंड ब्रिटिशर्स हमारे ज़्यादातर रिसोर्सेज को अपने यहाँ लेकर जाने के लिए अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने का सोच रहे थे. एंड इसी वक्त उनको ये आइडिया आया, वाई कैन नॉट वी गो फॉर द ट्रेन रूट्स, और हम इस तरह से कुछ क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में डेट्रिच ब्रैंडिस के बारे में पढ़ा होगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, जब भी कभी आपने 10th क्लास की होगी. एंड वहां पर आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिशर्स को इंडिया से अपने हमारे रिसोर्सेज को लेकर जाना था अपना मेन, अपने टाउन में, सिटी में, तो उन्होंने वुडन लॉक्स का भी इस्तेमाल करा, वुडन प्लैंक्स को भी डेवलप कराया और उसकी मदद से रेलगाड़ियां बनी. और उस टाइम के जो रेलगाड़ी के अंदर जो भी कोचेज और जो भी आपका पूरा इस्टेब्लिश किया गया था वो काफी ज्यादा अच्छा एस्टेब्लिश किया गया था. इवन दो आप लोगों ने उस टाइम की डेवलप की गई, इवन जो कंस्ट्रक्ट की गई जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो अभी तक भी मतलब अच्छी कंडीशन में है बिकॉज ऑफ द प्योरिटी. और जो उस टाइम का जो कंटेंट, जो भी मतलब आपका रॉ मटेरियल था, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी हुआ करती थी. ओके, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं. देखो, अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं मिस दीक्षा शर्मा जी, तो दैट माइट विल नॉट हेल्प एक्चुअली, बट इफ यू आर टारगेटिंग अदर एग्जाम जिनमें आपका फॉरेस्ट्री मेजर सेगमेंट होता है, तो वहां पर ये आपको हेल्प करेगा. बाहर बेसिक चीज मेंशन है दैट दिस क्लासेस आर कंप्लीटली फोकस्ड विद द फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट. अभी हम फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसके माइलस्टोन्स, उसका बेसिक, उसका ट्री स्पीशीज, तो जब मैं आपको ट्री स्पीशीज कराऊंगी दैट माइट हेल्प देयर, वो आपको वहां पर हेल्प कर सकता है. ऑलराइट, सो द कमीशन ऑफ फॉरेस्ट्री अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द अवेलेबल ऑफ टीक इन मालाबार रीजन. ठीक है, मालाबार रीजन में टीक का अवेलेबिलिटी कितना है, कितना नहीं. व्हाई देयर इज अ नीड टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ टीक. टीक की अवेलेबिलिटी को चेक करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? और इसके साथ साथ आप लोग मुझे बताने वाले हैं कि व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टीक. जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टीक, और टीक की अवेलेबिलिटी को चेक करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. बॉटनिकल नेम ऑफ टीक and why it was felt that there is a need to check the availability of teak in the Malabar region or the Malabar forest areas. Yeah. इस क्वेश्चन का आंसर रोहन, अयोन, अंकित, दीक्षा, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चे कि टीक का बॉटनिकल नेम क्या होता है और टीक का अवेलेबिलिटी को चेक करने का रिक्वायरमेंट क्यों फील हुआ एट दैट टाइम? या ओके दी, अगर आप हाँ टेक्टोना ग्रैंडिस, अंकित शाह हाँ इट फील्स दैट सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड ऑल्सो, या फिर आपको गूगल काफी फास्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। या टेक्टोना ग्रैंडिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टीक। अब अच्छा बताओ टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, ज्यादातर आपका सब ट्रॉपिकल रीजन्स में और ट्रॉपिकल रीजन की स्पीशीज है। अभी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स करेंगे तब हम ये चीज और डिटेल में करने वाले हैं, डोंट बी वरी अबाउट दीज थिंग्स। तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो है इसका बॉटनिकल नेम है। फर्स्ट थिंग, इसकी अवेलेबिलिटी को चेक करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? आरुषि, नवप्रीत, क्यों इसकी अवेलेबिलिटी को? बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस। क्या यूजेस थे? ठीक है, क्या यूजेस थे इसके? बेटा ये आपका मेन लंबरिंग ट्री स्पीशीज है। जो भी आपका जो प्लैंक्स बनते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स में जो प्लैंक्स बनते थे उस वक्त पे, उसमें भी इवन दो आपके जो रेलवे जो बोगीज हैं उनमें भी जो भी स्लीपर्स बनते थे वो आपका उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल स्पीशीज था, यूजफुल स्पीशीज था। एंड इवन दो अभी भी जो आपके फर्नीचर्स बनते हैं, अभी भी जो आपका मेजर जो टिम्बर वर्क होता है वो इसी के साथ एसोशिएटेड होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो टिम्बर प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपका साल स्पीशीज से एंड टीक स्पीशीज से ही बनाए जाते हैं। ओके, नाउ बिकॉज बेस्ड ऑन द कमीशंस रिकमेंडेशंस फेलिंग ऑफ टीक बिलो 15 इंचेस इज प्रोहिबिटेड। तो जब ये यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी को चेक कर लिया गया और फिर देख लिया गया कि 12 इंचेस से जितने अबव जितने भी उसके बिलो है उनका जो भी फेलिंग किया जा रहा था उसको प्रोहिबिट कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, क्योंकि टीक की जो यूजफुलनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यह स्लीपर के लिए, लंबरिंग प्रोसेस के लिए वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद 1805 में क्या स्टेप लिया गया? अब इसके साथ मेरे को आपको क्या चीजें याद रखनी है वो धीरे धीरे हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखो, फॉरेस्ट कमेटी सेटअप टू इंक्वायर इनटू द कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की कैपेसिटी को चेक करने के लिए कि ये जो फॉरेस्ट एरिया मालाबार रीजन में इस्टेब्लिश्ड है, नंदा हिल्स रीजन में इस्टेब्लिश्ड है, नीलगिरी रीजन में इस्टेब्लिश्ड है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि ये कितना आपको आउटपुट दे रहा है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। एंड द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी टू देम बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन रॉयल्टी ओवर टीक ट्री वाज गिवन, ठीक है। और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो ये कमेटी और कमीशंस यहाँ पर डेवलप किए गए थे, रॉयल्टी दिया गया। अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए अगर आपको अलग से एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा तो आप उसकी एक्स्ट्रा केयर करोगे ना। तो ये फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक अलग से मतलब तड़का लगाया इस तरीके से, ताकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मेंटेनेंस हो सके, ताकि वो अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह से फॉरेस्ट कमेटी सेटअप की गई इंक्वायर करने के लिए फॉरेस्ट की कैपेसिटी को, एंड राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी टू देम, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स दे दिए गए ताकि फर्दर ये सब चीजें की जा सके। ओके, हाँ टीक की और साल बिल्कुल विंडोज भी बनती हैं और साथ में आपका अदर जो फर्नीचर्स है वो भी डेवलप किए जाते हैं इन स्पीशीज से। ऑलराइट, इन द ईयर 1806 की अगर हम बात करें, कैप्टन वॉटसन जो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर थे, अपॉइंटेड एज फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो इंडिया में एज अ फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट किसको अपॉइंट किया गया था? तो इंडिया में फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर कैप्टन वॉटसन को अपॉइंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, मद्रास की गवर्नमेंट के द्वारा। ही एस्टैब्लिशेस टिम्बर मोनोपोली इन मालाबार एंड ट्रेवेनकोर रीजन, ठीक है। टिम्बर की मोनोपोली यानी कि ज़्यादातर फॉरेस्ट में जो भी स्पीशीज ग्रो की जाएंगी वो आपके टिम्बर की स्पीशीज ग्रो की जाएंगी। यहाँ पे यानी कि उन्होंने वहाँ पर आपका एक होमो और मतलब एक ही ट्री स्पीशीज पे फोकस्ड एक प्लांटेशन को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और अभी एक और बात आप याद रखेंगे, अभी फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते ACF की वैकेंसीज होती हैं, डिप्टी रेंजर की वैकेंसीज होते हैं। अभी देखो हम IFS का ना थोड़ा सा एक बार चार्ट पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा लगता है पढ़ने में, आपको पता लगता है कि इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विसेज हैं वो कितनी ज्यादा मतलब रेप्यूटेड कह सकते हैं और कितनी ज्यादा ग्लोरियस हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा ग्लोरियस हैं अगर हम देखें तो हम एक बार पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से मतलब अपॉइंटमेंट्स होती है। पहले आपका एक बीट ऑफिसर, एक फॉरेस्ट गार्ड होता है, बीट ऑफिसर होता है, DFO होता है, देन आपका फर्दर आपके ACF होते हैं, अदर आपके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल दीज पोस्ट, ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे वन डे जल्दी ही। ईयर 1823 में इस जो पोस्ट था कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को इसको एबोलिश कर दिया गया, इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स नहीं, क्योंकि ये हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से सेट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। फिर 1828 में वेस्टलैंड डिक्लेयर्ड एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जितनी भी वेस्टलैंड्स थी उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और उन एरियाज को भी फर्दर टिम्बर लैंड्स में डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया कि यहाँ से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर जो है वो मिल सके। ओके, इन 1842 अगर हम देखें, कोनॉली कलेक्टर ऑफ मालाबार रीजन असिस्टेड बाय छटू मेनन जो कि सब कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, इस्टेब्लिश्ड नीलंबुर टीक प्लांटेशन। आप लोगों ने ना कुछ प्लांटेशन सुने होंगे, ये नीलंबुर टीक प्लांटेशन है, इस तरह से आपके और भी टीक प्लांटेशंस हैं जो आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन दो उत्तराखंड में, देहरादून में, रुड़की में, हरिद्वार में भी आपके प्लांटेशन क्रॉप्स और मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका वैसे वहाँ पे टीक पे फोकस ज़्यादा नहीं होता, पॉपुलर पे फोकस होता है, अदर ट्री स्पीशीज पे फोकस होता है जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सुटेबल है, बट हेयर मेजर फोकस वॉज ऑन द साउदर्न स्टेट्स। अभी हम साउदर्न स्टेट्स पे ही डील कर रहे थे, अभी इसी के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो 1842 में कोनॉली जो कि कलेक्टर थे मालाबार रीजन के और साथ में उनके चटू मेनन जो कि सब कंजर्वेटर थे फॉरेस्ट के, उन्होंने नीलंबर टीक प्लांटेशन को भी इस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि टीक प्लांटेशन पे मेजर फोकस था, क्योंकि अभी पता लग गया था ना ये जड़ है, दिस इज अ रूट, और ये आपका काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला स्पीशीज है, तो इस पे वर्क किया जा रहा था। नेक्स्ट जो है, इन द ईयर 1843 एफोरेस्टेशन वर्क स्टार्टेड कि ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज को डेवलप किया जाए, ज़्यादातर जो भी हमने वेस्टलैंड को अपने अंडर कंसिडर कर लिया है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर, वहाँ पर भी ट्री स्पीशीज़ को लगाया जाए, ज़्यादातर टिम्बर स्पीशीज़ का प्रमोशन किया जाए, इस पर वर्क किया जाने लगा। एंड कैम्पल इंट्रोड्यूसेस यूकेलिप्टस पिन्नाटा एट वेलिंगटन मद्रास, और इसी के साथ साथ यूकेलिप्टस सबसे पहले टीपू सुल्तान ने 16 स्पीशीज यूकेलिप्टस की लाकर इंडियन पर्सन ने इसको ओरिजिनेट कर दिया था। उसके बाद देखो भाई, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, ठीक है, कुछ सूझबूझ जो थी और कुछ इंटेलिजेंसी हमारे ही जो पर्सनल थे उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनका ही वर्क कर रहा था, ठीक है, उसी से ही वो आइडिया ले लेके अपने अलग अलग आइडियाज़ को अलग अलग मतलब तरीके से एक्सप्लॉइट हमें कर रहे थे, तो उसी चीज़ का ही फायदा लेके 1843 में फिर से कैम्पल ने यूकेलिप्टस पिन्नाटा को इंट्रोड्यूस किया वेलिंगटन मद्रास में। एंड इन 1855 में चार्टर ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट मेमोरेंडम इज सबमिटेड बाय मैकक्लेलन टू लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी को उस टाइम का आपका एक चार्टर सबमिट किया गया, और एट द सेम टाइम ही आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी अभी आपका स्टार्ट होने लग गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस जो है, और इंडिपेंडेंस से भी काफ़ी समय पहले वाला, बिफोर इंडिपेंडेंस एक हम 1927 वाला पढ़ते हैं, बट 1927 से पहले आपका चार्टर जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के लिए आपका इस वक्त भी बनने लग गया था, इस पर भी वर्क स्टार्ट हो गया था। ऑलराइट, इन 1856 Cleghorn is appointed as first regular conservator of forest. Dietrich Brandis selected and appointed as superintendent of पेगू फॉरेस्ट बाय लॉर्ड डलहौजी. तो लॉर्ड डलहौजी ने इस टाइम पे डेट्रिच ब्रैंडिस को इंट्रोड्यूस कर दिया था. ही वाज अ जर्मन फॉरेस्टर और इनको अपॉइंट किया था एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पेगू फॉरेस्ट. पहले देखो ऐसा तो है नहीं ना, पहले आते किसी को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना देंगे, उसकी जो भी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है, उनको तो पहले एक बार चेक किया जाएगा ना कि कितना ये इंसान कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. तो इसके लिए आपका सुप्रिटेंडेंट ऑफ पेगू फॉरेस्ट इनको अपॉइंट किया गया बाय लॉर्ड डलहौजी. एंड इन 1858 इंट्रोडक्शन ऑफ आपका अकेशियाज एंड यूकेलिप्टस नीलगिरीज और मद्रास प्रोविनेंस में इनको भी अपॉइंट कर दिया, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गया. मेजरली जो हम अकेशिया में बात करते हैं, जो आपकी कत्था स्पीशीज है, कत्था जो कि आपका पान इंडस्ट्री का एक मेजर कंपोनेंट है, तो अकेशिया कटेचू की स्पीशीज और अकेशिया के जो फर्दर स्पीशीज हैं जो इंडस्ट्रीज में एक मेजर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया इन द रीजन ऑफ नीलगिरीज जो कि मद्रास प्रोविनेंस में थी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज 1864 में ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश द इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. अच्छा सुनो, ICR हम पढ़ते हैं, ICR का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो एट दैट टाइम ICR का जो फुल फॉर्म था वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं था. एट दैट टाइम जब ब्रिटिश राज ने उसको इस्टेब्लिश किया था तो वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था. इन द सेम वे जब फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था और फॉरेस्ट एरिया से इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने के फुल ऑन चांसेस थे, तो ब्रिटिश राज ने इस्टेब्लिश किया था इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू वर्क ऑन ऑल दीज प्लांटेशंस. इसके लिए चार्टर पास करना है, इसके लिए रेगुलेशंस पास करना है, किस चीज़ को अवॉइड कराना है, किसी चीज़ को प्रमोट कराना है, टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स. ओके, अकेशिया कटेचू है, अकेशिया कुंड्रा है, हाँ अकेशिया चुंड्रा है और अकेशिया की और भी स्पीशीज हैं, ठीक है हाँ. तो सभी को लेकर आपका वर्क किया गया एट दैट टाइम. नेक्स्ट इज 1866 में डॉक्टर डेट्रिच ब्रैंडिस अ जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर वाज अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, इंडिया में इनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर, इंस्पेक्टर जनरल और फॉरेस्ट के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया बिकॉज ऑफ हिज वर्क जो भी उन्होंने पेगू फॉरेस्ट एरिया में किया. एंड इन 1867 में, अच्छा सुनो, अभी आप सोचोगे कि FRI की नींव कब रखी गई. FRI जो फॉरेस्ट स्कूल है उसकी नींव 1906 में रखी गई थी, 1906 में रखी गई थी, तो अभी आप उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे. अभी तो हमने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया है जो फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट. एट दैट टाइम जो फॉरेस्ट स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया था देहरादून में, दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1906. ऑलराइट, यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं आप लोगों को. बस जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है अभी इस सेशन में, एक बार मुझे बता दो यहाँ तक मैं आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है. यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स. ओके, अभी हम एक बार माइलस्टोन्स कर ले, जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री. उसके बाद हम अपना मेजर डिस्कशन आपका इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी टाइम देंगे, आपका बॉटनिकल नेम्स भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज का एंड उनका स्टडी ऑफ भी पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फॉरेस्ट टाइप्स का जो भी इंडिया में फॉरेस्ट टाइप्स हैं और वहाँ पे मेजर स्पीशीज कौन कौन सी हैं, मेजर रेनफॉल कितना हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशंस कितना है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, व्हाटएवर द थिंग्स आर, उनके बारे में भी डिस्कशन होगा क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. All right, so here is 1867 में the Imperial Forestry Services was organized subordinate to the Imperial Forest Department. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अभी Indian Administrative Services है, Indian Forest Services है, Indian Revenue Services है, Indian Economic Services, Engineering Service. तो at that time also जब हमने Imperial Forest Department develop कर दिया है उसके अंडर कुछ तो services भी involve होंगी because forest उस वक्त पे उसका जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, वो डिस्कवर हो गया था. पता लग गया था कि फॉरेस्ट को, मतलब फॉरेस्ट से बहुत कुछ मिलने वाला है ब्रिटिशर्स को और वो बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाने वाले हैं. सो फॉर द मेंटेनेंस, इसका रेगुलेशन के लिए उन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विसेज को भी इस्टेब्लिश कर दिया इन द ईयर 1867. उसके बाद 1869 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज, पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट सर्विसेज है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया. कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट, ये सभी पोस्ट को क्रिएट किया गया। और आज भी हम अपनी कंट्री में हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, इवन दो आप सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए तो यहाँ पर अब रिक्रूटमेंट्स होती हैं, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है इन पोजीशंस को फिल करने के लिए, ताकि हमारे कंट्री में जो भी स्टेट एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको प्रॉपरली मैनेज और अच्छे से डेवलप किया जा सके। एंड टीक प्लांटेशन एट मैकोम वॉज रेज्ड। भाई टीक प्लांटेशन पे बहुत तगड़ा काम चल रहा था। बाय हिमसेल्फ अभिनव सिंह ये पूछ रहे हैं, फॉर अ फ्रेशर स्टूडेंट व्हाट थिंग्स नीड टू स्टडी फॉर हिमसेल्फ। अच्छा, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? अच्छा, एक बार जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस विच पर्टिकुलर एग्जाम यू आर टारगेटिंग, एक बार मुझे बताओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी नो, आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स इज इनफ फॉर स्टडीज। एक बार थोड़ा सा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आई नो टुडे सेशन माइट बी बोरिंग फॉर यू। हाँ, क्या बता रहे हो? विजय प्रजापति इज आस्किंग व्हाट आर यू टेलिंग मैम और व्हाट आर यू स्टडिंग टीचिंग नाउ। हाँ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, कि किस तरह से इंडियन फॉरेस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, हु जस्ट टुक द इनिशिएटिव एंड हाउ इट डेवलप्ड वेल, ये सब चीज़ें इन पोस्ट से। या हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, हमारे जो कंट्री में जो भी फॉरेस्ट सर्विसेज डेवलप हुई हैं, तो स्टेट वाइज इसी तरह से तो पोस्ट होते हैं। बीट ऑफिसर होता है, आपका फॉरेस्ट गार्ड होता है, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, एंड आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, डिप्टी कंजर्वेटर। हम पूरा चार्ट पढ़ेंगे, हम ना अभी यहाँ फॉरेस्ट की जॉब्स पढ़ लेंगे एक बार कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं फॉरेस्ट एरियाज में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अच्छा लगेगा ना फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना और इन सब चीज़ों के बारे में बातें करना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, लाइव क्लासेज है बिल्कुल, एजुकेशन रोहित, दीज आर द लाइव क्लासेज। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके, यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर NABARD। अंकित झा इज प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज, आशुतोष शाह इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर टारगेटिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज? कैन यू रेज योर हैंड्स? क्या आप अपने मतलब हैंड रेज करके या फिर ऐसे कोई इमोटिकॉन से आप ये चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर टारगेटिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट वहाँ पर ऑप्ट करने वाले हैं? मेंशन करो एक बार जल्दी से कमेंट में इस चीज़ को, ठीक है। इफ़ यू आर टारगेटिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आफ्टर योर ग्रेजुएशन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी से आपने ग्रेजुएशन किया, जियोलॉजी से किया है, वेदर आपने फॉरेस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, एलीड साइंस से, कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया, यू कैन टारगेट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और उसके लिए आपको फॉरेस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होता है, क्योंकि जब आपको दो ऑप्शनल चूज करने होते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर वो इस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको थोड़ा सा भी यहाँ का नॉलेज होता है, तो वो फॉरेस्ट्री चूज करते हैं, उनको चूज करना भी चाहिए। इफ़ यू आर टारगेट, ओके, या अच्छा, अंकित, ओके, थम्स अप। फॉरेस्ट्री एंड बॉटनी, अच्छा अब ये आपने सब्जेक्ट चूज़ किया, सेम पेज, अच्छा सब्जेक्ट है, दिस इज़ रियली नाइस कॉम्बिनेशन, फॉरेस्ट्री एंड बॉटनी, बिल्कुल सही। ओके, यू आर टारगेटिंग IBPS-AFO, तो IBPS-AFO का अभी जो एग्ज़ाम था, मैंने स्टूडेंट्स को इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कराया था 2021 वाला, एंड साथ में हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किया था, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो AFO के लिए भी फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस आपके फॉरेस्ट्री से आ सकते हैं वहाँ पे। ओके, यू आर टारगेटिंग स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। एजुकेशन रोहित इज टारगेटिंग ICAR एग्जाम। ICAR कौन सा पोस्ट? इफ यू आर टारगेटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द ICAR, अगर आप ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इन द सब्जेक्ट्स ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और सिंपली फॉरेस्ट्री और आपका ट्री ब्रीडिंग, तो ये सेशंस आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अभी शुरुआत है, दिस इज़ द बिगिनिंग ओनली। अभी देखो आप लोगों के लिए कितना, देखो जो भी बुक्स आप लोग रेफ़र करते हो, ठीक है, खन्ना, चतुर्वेदी, जो भी बुक्स आप लोग रेफ़र करते हो, उन्हीं बुक्स में से जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि मतलब सब कुछ पढ़ना, सब कुछ के गो थ्रू जाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कहीं फ्रूटफुल नहीं होता। यू हैव टू पिक द सेलेक्टिव कंटेंट एज पर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का फ्रेमिंग कैसा होने वाला है, तो वही हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं होते हैं। आंचल प्रीत कौर, ये आपका ICR का क्लास नहीं है। आंचल प्रीत कोर, कुछ कॉम्बिनेशंस मेंशन होते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की, ये कॉम्बिनेशंस आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक एग्री एंड फॉरेस्ट्री दोनों ही मेजर सब्जेक्ट्स है, इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, बट स्टिल मुझे इसमें हल्का सा डाउट है। मैं आपका डाउट कल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ और जो स्टूडेंट्स हैं, नवप्रीत है, आप भी बताइए एक बार कि कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सो दैट आई कैन नो। अगर आप ICR का टेक्नीशियन T1 पोस्ट को टारगेट कर रहे हो बच्चा, तो उसके लिए आपकी 1:30 पर क्लासेस होते हैं। दीज क्लासेस आर फॉर द ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो कॉन्टेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, वो डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, नहीं होता है ना, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस गिवन है। आपका फॉरेस्ट्री प्लस बॉटनी हो सकता है, फॉरेस्ट्री प्लस जूलॉजी हो सकता है, और ऐसे ही एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर और मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये कुछ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ आज ये चीज़ें डिस्कस करने का ये मतलब मेन लॉजिक ये है कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कहाँ से शुरुआत हुई थी, देन वी विल गो विद द डीप थिंग्स, ठीक है। अभी क्वेश्चंस के माध्यम से भी मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ टू आंसर ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छी क्लास होंगी रिजल्ट के टर्म्स में भी। ऑल राइट, सो इन 1870 की अगर हम बात करें तो वैटल्स इंट्रोड्यूस्ड इन ओटी एंड आपका वैटल्स पता है ना, ठीक है, वैटल्स जो ट्रीज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था इन ऊटी एंड कोडाईकनल। मतलब पूरा अच्छे से जोरों शोरों से काम चल रहा था कि किस तरह से इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ को डेवलप किया जाए। ओके, इन ईयर 1871, अगर हम 1871 की बात करें तो वर्किंग प्लान वर्क इज स्टार्टेड, वर्किंग प्लान पे काम शुरू हो गया था। कैटल ट्रेसपास एक्ट इज पास्ड, कि जो कैटल ट्रेसपास है कि भाई अब एक बात सुनो, यू वांट टू वर्क ऑन दैट, आपको किसी एरिया पे वर्क करना है, आपको वहाँ प्लांटेशंस ग्रो करने, तो आप धीरे धीरे वहाँ पे ना, वहाँ के लोगों पे ना कुछ बाउंडेशंस लगाने लग जाते हो, लीगलाइज करने लग जाते हो कुछ एंट्रीज को, कुछ एग्जिट्स को, ताकि आप उस एरिया को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकें, ठीक है। हाँ, ओके, समथिंग अबाउट नबार्ड एग्जाम्स, नबार्ड के देखो, नबार्ड के पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना है, नबार्ड के पोस्ट के बारे में। नबार्ड में जो आपका मेजर आता है दैट इज़ योर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जहाँ से आपके मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपके संदीप सर अभी एग्रोनॉमी की क्लासेस ले रहे हैं, इन द कमिंग टाइम वो आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला एरिया भी कवर करेंगे। ऑल राइट, हाँ, मेरा एजुकेशन क्या है, ओके, आई एम फ्रॉम द सेम फील्ड, हम मैं भी सेम बैकग्राउंड से हूँ जिसकी आपकी क्लासेस चल रही हैं अभी। ओके, सो तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। कैटल ट्रेसपास एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1871 एंड आफ्टर दैट, ओके, आफ्टर दैट जस्ट ए सेकेंड, ऑल राइट, तो इसके बाद फर्दर जब आपका ये कैटल ट्रेसपास एक्ट पास्ड हो गया, ठीक है, इन्हीं को ही फर्दर डेवलप करने के लिए तो मेजर फोकस था, जो भी एक्ट पास हो रहा था, जो भी यहाँ पर बातें हो रही, जो भी एक्ट यहाँ पास हो रहा था और जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, फॉर दीज वर ऑल फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। मेन मोटिव हमारे फॉरेस्ट, हमारे रिक्रिएशनल एरिया को डेवलप करना नहीं था, मेन फोकस था कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिसोर्सेज को डेवलप करना, क्योंकि यहाँ के सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस ही, सूटेबल ट्रीज़ के लिए, टीक के लिए, अकेशिया के लिए, आपका वैटल्स के लिए, आपका यूकेलिप्टस के लिए, तो इनको ग्रो करना है और फिर इनको यहाँ से वहाँ लेकर जाना है, रॉ मटेरियल को अच्छे से पूरी तरह से डेवलप करके, निचोड़ के पूरा यहाँ से ले जाएँ, ऐसे वाला प्लान था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन द ईयर 1875, 1875 में क्या हुआ था, बैडन पोवेल एंड डॉक्टर स्क्लिश इशूड द फर्स्ट कॉपी ऑफ द इंडियन फॉरेस्टर जर्नल, ठीक है। जर्नल के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशंस, वो सारे, अभी देखो आप लोगों ने पीरियोडिकल्स देखे होंगे अपने कॉलेज के लाइब्रेरीज में, आपने फॉरेस्ट जो मैगजीन्स देखी होंगी, फॉरेस्टर्स जो होते, द फॉरेस्टर एक मैगजीन होती है, और भी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिपोर्ट्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके अंदर सारा कुछ डिटेल में मेंशन होता है। तो अब जब इतना ज़्यादा इस पे वर्क किया जा रहा है, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप कर दिया है, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विसेज डेवलप कर दी है, तो एट द सेम टाइम आपका इंडियन फॉरेस्टर जर्नल को भी फर्स्ट कॉपी उसका भी इशू किया गया। देन इन 1878 में फॉरेस्ट स्कूल एट देहरादून इज स्टार्टेड, तो यहाँ पे फॉरेस्ट स्कूल स्टार्ट हुआ था। ओके, जो आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था जो फर्स्ट टाइम 1865 में पास किया था, उसको फर्दर रिवाइज कर दिया था 1878 में। एंड गैम्बल्स स्टार्ट्स रिसर्च ऑन किस पर, नॉन जो भी आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिया था। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिया था। ऑलराइट, तो भैया आपको एक बात यहाँ याद रखनी है, फर्स्ट टाइम जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था दैट वाज पास्ड इन ईयर 1865, उसके बाद इसको रिवाइज किया गया था इन द ईयर 1878, और एट द सेम टाइम ही पहला फॉरेस्ट स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था एट देहरादून। एंड वी टॉक अबाउट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका 1906 में, उसके बारे में अभी आगे क्लासेस में आगे टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। देन इन 1879 एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड, एलिफेंट्स को प्रिजर्व करना है उस रिलेटेड एक्ट को पास किया गया इन द ईयर, कौन से ईयर में आपका 1869 में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इसके अलावा, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को समझ में आई है। स्टडी का टाइम टेबल कैसे बनाए, स्टडी के टाइम टेबल इनको लर्न करने का, देखो अयान आपको जो ये कुछ डेट्स हैं इनमें से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको याद करने का मैं अभी कमिंग टाइम में आपको ट्रिक बताऊंगी। अभी के लिए आपको जो याद करना है, एक बार पूरा सिस्टम तो हमको याद करना पड़ेगा, आपको सारे ईयर्स एक बार गो थ्रू हो जाते हैं और जब हम इसमें से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ईयर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टडी का प्लान देखो, अभी आप लोग की क्लासेज शेड्यूल हुई है फ्रॉम द टुडे ऑनवर्ड्स, 5 to 6 आपकी एग्रोनॉमी की क्लास है, 6 to 7 यू हैव अ क्लास ऑफ हॉर्टिकल्चर, देन यू विल हैव अ क्लास ऑफ 6 to 7 यू हैव अ क्लास ऑफ फॉरेस्ट्री, यानी कि मेरे द्वारा फॉरेस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद हमारा आपका 7 to 8 आपके पुष्कर सर हैं वो आपको हॉर्टिकल्चर कराएंगे। तो इस तरह से पूरा स्टडी प्लान डेवलप करेंगे। एंड टुडे इज़ योर फर्स्ट सेशन, तो माइट भी आप लोगों को कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हों, और स्टडी प्लान आपको अपने लेवल पर कैसा बनाना है उसके लिए भी हम छोटे छोटे सेशंस लेकर आएंगे जहां पर ये डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यहां तक का आज जितना हमने डिस्कशन किया है अबाउट द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री आप लोग को समझ में आ गए होंगे। कमेंट में आप जरूर मेंशन कर देंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और ऐसे और सेशंस आपको चाहिए, उनके लिए आपको किस टॉपिक पे ज्यादा मतलब एम्फसाइज करके सेशन होने चाहिए, आप कमेंट में जैसा मेंशन करेंगे उसी हिसाब से आपके सेशंस को कंडक्ट कराया जाएगा जल्दी ही, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशंस में, अभी कल शाम को 6 बजे फॉरेस्ट्री के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।